सकते क्योंकि आपको पता है उसको फिल्म में कोई काम मिल नहीं रहा है। अब जिसको कोई काम नहीं है वो राजनीति में ही आ जाता है, समझ रहे। इनको राजनीति का राज से लेकर ताज तक कुछ नहीं पता होगा। इनको ये नहीं पता होगी कि देश में एमपी कितने हैं, समझ रहे हैं, देश के अंदर एमएलए कितने हैं, समझ रहे? देश के अंदर अब तक कितनी संस्थाएं खुल चुकी हैं, कितने देश के अंदर एमएलए एमपी अब तक इस देश के अंदर कितने नीति और कितने नियमों को लागू कर चुके हैं। इन्हें कुछ नहीं पता राजनीति के बारे में। इनका काम है सिर्फ भौंकने का। ये सुबह शाम सिर्फ भौंकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, हर एक व्यक्ति देश का अनाज खाता है। अगर ये देश का किसान अनाज उगाना बंद कर देना तो कंगना जैसे लोग तो भूखे ही मर लेंगे। इनके ये वो नहीं है जी चिल्लड़ी खा जाएंगे या गूगल से रोटी डाउनलोड कर लेंगे या पैसा खा जाएंगे। हम भी देखते हैं, अगर देश का किसान अंबानी अडानी अपने आप को इतना बड़ा चौधरी समझता है तो देखते हैं कितने दिन खाता है वो देश के पैसों को। ये बताइए, छोड़ दीजिए किसान का उगाया हुआ अनाज खाना, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, फिर आपको पता चलेगा देश का किसान है। आपने किसान की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। किसान रेल की पटरी पे बैठ रहा है तब आप ध्यान नहीं दे रहे, किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तब आप ध्यान नहीं दे रहे। आपका एक नेता मर जाए बंगाल में तो आप बंगाल बंद कर सकते हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई कोरोना नहीं है, उससे कुछ नहीं है। किसान एक दिन भारत बंद कर दे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके तन बदन में आग लग जाती है। आप एक बात मुझे बताइए, 3 महीने भारत बंद रहा, सरकार से सवाल किया आपने? काम है आपका सरकार से सवाल करना, देश की जनता से नहीं। आप किसानों से पूछ रहे हैं कि आपने सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया, सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया। आपने किसान से सवाल कराए कि आप यहाँ बैठे हुए इतने दिन से कितनी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है? आप अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, कौन आपसे यहाँ रोटी के लिए पानी के लिए पूछ रहा है? ठंड में आपके इतने साथी मर गए, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? सवाल कराया आपने कभी? अगर आप लोग सवाल करते ना तो आज ये देश का किसान सड़क पे नहीं होता। जिस दिन ये बिल संसद से पारित हुआ ना, अगर उसी दिन आप सरकार से सवाल करते कि इस प्रस्ताव को समझाइए किसानों को, तो सरकार कभी इस बिल को लागू ही नहीं करती, क्योंकि सरकार के अंदर इतने पढ़े लिखे नेता नहीं है जो इस बिल को समझा सकें। आप तो पूछते हैं मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या निकालते हैं, आपको तो उसमें लगा हुआ है, आपका बस नहीं चल रहा। अगर आप मीडिया वाले हाँ कर देना कि मोदी जी की, सभी मीडिया वाले ऐसे हैं या कुछ है? देखिए, ये तो आपके माथे पे लिखा नहीं है कि आप मोदी जी के हैं या गोदी मीडिया के हैं या आप अंबानी के हैं या अडानी के हैं या आप पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा? अब कुछ लोग तो ऐसे अपनी आईडी नहीं लाना बंद कर दिया, वो तो खाली ऐसे लगा के पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? हम तो लाए हैं ना आईडी। अब आप एक बात मुझे बताइए, हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं होता मेरे भाई, समझ रहे हैं आप बात को? एक बात बताइए, अगर सरकार कह रही है कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे तो आय दोगुनी हो जाएगी, जब इतने दिन से प्रधानमंत्री पे आप लोगों ने भरोसा करा तो 2 साल और कर लीजिए। तो आप एक बात मुझे बताइए, किसानों के अच्छे दिन जब पिछली सरकार पिछले साल नहीं आए, जब मोदी जी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, एक बात मुझे बताइए, ये किसान बिल्कुल विश्वास करता और निस्वार्थ मन से प्रधानमंत्री जी की बात भी मानता। चलिए आप मुझे दिखा कर लाइए कहाँ खड़ी है मेरे देश की बुलेट ट्रेन, जिसका प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था। 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, 5 स्मार्ट सिटी तो दिखा दीजिए। कहाँ है वो काला धन जिसकी मोदी जी बात किया करते थे? आप क्यों नहीं करते वो आदर्श गाँव बनाने की बात, क्यों नहीं करते? मतलब उनके जवान पर कोई विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर जवान पे विश्वास होता, आप एक बात बताइए, आप बात करते हैं भारत को विश्वगुरु बनाने की, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर हैं, देश के अंदर ताली और थाली बजाकर भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी क्या गूंगे थे इतने समय से? प्रधानमंत्री जी तो रोज ही कुछ ना कुछ कहते हैं। आप बहुत ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को। अगर इतना ध्यान देश के किसान की बात पे दिया होता तो किसान परेशानी में नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, अब बात करिए किसान क्या कह रहा है, किसान ने आज क्या कहा, ये पूछिए। इतना मजबूत भी तो इन किसानों ने बनाया ना, प्रधानमंत्री को इतना मजबूत भी तो इन किसानों ने, इसी जनता ने बनाया ना। अब आप प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे इतना मजबूत बना दिया, प्रधानमंत्री जी फिर भी कह रहे हैं कि मेरे को पावर दो और पावर दो। मान लिया जाए सरकार इस कानून को वापस ले लेती है, जितना बड़ा आंदोलन किसानों का होता जा रहा है, लेकिन सरकार के पास तो कई ऐसे रास्ते हैं, वो पूंजीवाद फिर भी ले आएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। देखिए, पूंजीवाद सरकार लेके आएगी तो आप एक बात मुझे बताइए, तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्या है, गृह मंत्री की आवश्यकता क्या है? ये जो एमपी एमएलए बैठे हुए हैं, जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं और अपने बच्चों को वहाँ विदेश में अय्याश की जिंदगी कटवाते हैं, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हम लोगों के खून पसीने की कमाई का है जो हम लोग टैक्स देते हैं। आप एक बात बताइए, जब इस देश के अंदर सभी चीज़ आप पूंजीवाद
बर्बाद की कर देंगे तो इस देश के अंदर इन लोगों की जरूरत क्या है? जब सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो इन लोगों को भी हटा दीजिए, देश का बहुत पैसा बचेगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट में निजीकरण हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर में भी हो जाता तो क्या दिक्कत है? आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा निजीकरण, पानी फ्री है या नहीं है? है या नहीं? अंदर गंगा जी से आप पानी पीते हैं वो फ्री आपको है या नहीं है? ठीक है, जमुना जी से पानी पीते हैं वो फ्री है या नहीं है? है या नहीं? जब आप एक बात सोच के देखिए, जब इस देश के अंदर एक लीटर पानी की बोतल जो पानी फ्री है वो 20 रुपए में बिक सकता है, तो सोच लीजिए जब ये इस देश के किसान की फसल का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू कितने रुपए किलो बिकेगा। आपकी और गरीब लोगों की या इस देश के अंदर गरीब आदमी की औकात नहीं कि वो आलू भी खा सके, नमक तेल रोटी भी खा सके। ये है प्राइवेटाइजेशन, जिसको आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। जब इस देश के लोग फ्री का पानी पैसों में बेच सकते हैं तो फसल क्यों नहीं? लेकिन किसान की तो वही लड़ाई है ना, उसकी फसल जो उपज है उसका सही मूल्य नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, आएंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो दाम अच्छा मिलेगा। एक बात मुझे बताइए, किसान से आलू खरीदा जाता है 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। ले इसकी कंपनी चिप्स वाले जो है, ठीक है, 10 रुपए का इतना सा पैकेट देते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? उस पैकेट के अंदर 5 मुश्किल से चिप्स होती है, यानी 5 चिप्स का मतलब आप समझिए 1 से 2 आलू। भाई वो 10 रुपए का 2 आलू बेच रहा है और देश के किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो जब किसान को MSP नहीं मिलेगी, उसका अधिकार नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, तो ये सरकार से नहीं तो क्या चांद पे जाके प्रधानमंत्री के अलावा किससे मांगेगा? लेकिन ये बताइए, इन कानूनों से टेक्नोलॉजी में भी इजाफा होगा और किसानों को उसका फायदा मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल आप देख लो। अच्छा, जब हरियाणा के किसानों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और वो किसान आगे निकले, तो सरकार चाहती है और राज्यों के भी आगे निकले किसान। आपके कहने का मतलब क्या है? तक जमीन पे उगती थी फसल, अब जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हवा में ही वो रही कढ़ाई, तल गया हलवा, घी भी डल गया, ठीक है, सूजी भी डल गई, पर ये नहीं पता कढ़ाई कहाँ है और हलवा कहाँ है। मतलब अब तक जमीन पे उग रही थी खेती, आपके कहने का मतलब है नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई, घर से बाहर किसान को निकलना ही नहीं पड़ेगा, है ना, सोता रहे खेत में पानी भी चल जाएगा, खाद भी डल जाएगी, फसल भी कट जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से कुछ फायदा हुआ किसानों को? नहीं हुआ, पहले हल चलते थे, अब ट्रैक्टर आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें। टेक्नोलॉजी का अगर फायदा है तो अंबानी और अडानी को है, MTNL BSNL जैसी कंपनियां। पहले आप अगर किसी की कॉल सुनते थे ना तो उसका पैसा नहीं लगता था, आज उसका भी पैसा लग रहा है। अगर आप फोन में रिचार्ज ना कराए ना तो आपका किसी के पास कॉल आना भी बंद हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी लाके दे रहे हैं क्या? MTNL BSNL को डुबाकर अंबानी ने जो जियो का पूरे देश के अंदर माया जाल फैलाया है ना, अब हर कोई किसी की मजबूरी बन चुका है जियो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जब जगह जगह आपने जियो को लगा दिया तो और किसी के पास क्या ऑप्शन बचेगा? अगर जियो 1000 रुपए की भी हो गई ना तो देश के लोगों की मजबूरी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ये फसल अंबानी अडानी के हाथ में चली जाएगी तो चाहे ये किसान को 5 रुपए दे चाहे 50,000 दे, देश के किसान को मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये है निजीकरण और ये है प्राइवेटाइजेशन।